स्वागत है मेरे YouTube चैनल वसुधा किरण साइबर कैफे में। पॉलिटेक्निक का नया बिहार पॉलिटेक्निक का नया अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, जिसका स्टार्ट डेट 22/4/2023 है और लास्ट डेट 16/5/2023 है तथा पेमेंट का लास्ट डेट 17/5/2023 है। एडिटिंग डेट 18/5/2023 से 20/5/2023 के बीच होगा। फी पेमेंट का बात करें हम तो जनरल बीसी ईबीसी का फी पेमेंट 750 सिर्फ एक कोर्स का है, एससी एसटी के एक कोर्स का 480 रुपया है। फॉर एनी टू कोर्स ग्रुप, दो कोर्स के लिए आपको ओबीसी ईबीसी जनरल के लिए 850 रुपया है और एससी एसटी के लिए 530 रुपया है डबल कोर्स का। थ्री कोर्स का जनरल बीसी ईबीसी का 950 रुपया और एससी एसटी हैंडीकैप्ड का 630 रुपया है। पेमेंट आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं। एज लिमिट का बात करें तो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का एज लिमिट नहीं है। उसके बाद पीएमएम का जो है 15 से 30 साल उम्र है, पीएम का 17 से 35 ईयर, 31/12/2023 तक में 17 साल होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए 10th पास चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से। पीपीई पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का बात करें तो 10th पास चाहिए किसी भी बोर्ड से या फिर साथ में 2 साल का आईटीआई होना ज़रूरी है। पारा मेडिकल का बात करें तो 10th पास चाहिए, साथ में साइंस या इंग्लिश सब्जेक्ट में पास होना चाहिए या फिर आप एफेडिंग है तो भी भर सकते हैं। आगे बात करें पारा मेडिकल की तो पारा मेडिकल में आपको फॉर डिप्लोमा इन फार्मेसी इसमें जो है आपको 10th के साथ में 12th भी होना ज़रूरी है, जिसमें 12th में आपको कम से कम 40% मार्क होना ज़रूरी है। अगर आप एस सी एस टी हैं तो आपको 40% में 5% का छूट दिया जाएगा, जिसमें आपको मात्र 35% इंटर में रहना ज़रूरी है। एएनएम कोर्स के लिए आपको 40% मार्क ज़रूरी है, इसमें भी 5% का अगर आप एस सी एस टी हैं तो छूट मिलेगा। बाद बाकी अदर कोर्स जितना है उस सब में आपको इंटर पास चाहिए, 40% या 35% मार्क होना ज़रूरी है।